लास्ट क्लास में फास्फोरस का बेसिक्स पढ़ा था, अब उसके आगे देखते हैं फास्फोरस है ना, फास्फीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि फास्फीन बनाते कैसे। तो फास्फीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करो तो क्या क्या बन जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अपना ये फास्फीन तैयार हो जाएगा। फिर यह कैल्शियम फास्फाइड का रिएक्शन आप HCl से करवा लो तो क्या बन जाए, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और फास्फीन बन जाएगा। इस तरीके से फास्फीन आप तैयार कर। फास्फोरस, अगर व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो इससे भी आपको फास्फीन बना सकते, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सोडियम हाइपोफास्फाइड। फास्फीन फास्फीनियम आयोडाइड, तो फास्फीनियम आयोडाइड का रिएक्शन KOH से करेंगे तो इससे पोटासियम आयोडाइड वाटर और इससे भी फास्फीन आपका तैयार हो जाएगा। अब फास्फीन की प्रॉपर्टी देखते हैं। फास्फीन बेसिकली कैसा होता है, इट इज द कलरलेस गैस एंड फिश स्मेल एंड हाईली पॉइजनस। एक तो कलरलेस होता है और स्मेल फिश जैसा स्मेल होता है और पॉइजनस गैस होते हैं। इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टेक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, Cl2 एंड Br2। तो जैसे ही इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्टेक्ट में रखोगे फास्फीन का, लाइक HNO3, Cl2, Br2, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डालोगे तो सॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ फास्फीन इन वाटर डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। जैसे ही फास्फीन को आप वाटर में डालोगे और लाइट के प्रेजेंस में, लाइट भी होना चाहिए, उस केस में क्या होगा कि फास्फीन जो है वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्फीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड HCl तैयार हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन फास्फीन के साथ करेंगे तो कॉपर फास्फाइड बन जाएगा एंड दिस इज H2SO4। अब मर्क्यूरिक क्लोराइड का रिएक्शन आप फास्फीन के साथ करेंगे तो मर्क्यूरिक फास्फाइड बन जाएगा और HCl बन जाएगा। फिर 4 PH3 फास्फीन के साथ हीट अप करेंगे, इससे फास्फोरस तैयार हो जाएगा और हाइड्रोजन में ब्रेक होगा। अब PH3 मतलब फास्फीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करेंगे तो इसमें फास्फीन ब्रोमाइड तैयार हो जाएगा। एंड प्रॉपर्टीज में क्या होगा, इट इज द स्पॉन्टेनियस कंबशन, मतलब अचानक होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फास्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन होल्मोसिग्नल के केस में फास्फीन का यूज करते हैं। एंड कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फास्फाइड आर एयर एंड थ्रोन इन द सी व्हेन द गैसेस इन्वॉल्व बर्न एंड सर्व एज ए सिग्नल। इट इज ऑल्सो यूज इन स्मोक स्क्रीन में भी इसका यूज करते हैं। फास्फीन का यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को जैसे ही वाटर के साथ करोगे तो अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा और एसिटिलीन बन जाएगा। फिर कैल्शियम फास्फाइड का आप रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फास्फीन तैयार हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ Ca3P2 दैट इज कैल्शियम फास्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड दोनों के इज यूज इन होमे सिग्नल फॉर नेविगेशन। तो नेविगेशन के रूप में होमे सिग्नल के रूप में ये दोनों के मिक्सचर का यूज करते हैं। बेसिकली नेविगेशन वहां करते हैं, समुद्र में ज्यादातर यूज करते हैं इसके सिग्नल के लिए। क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल ऑफ PH4+ इज हायर देन दैट ऑफ द PH3 से। कंपेरिजन में PH4+ का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि PH4 एंड PH3 जो है दोनों क्या आ गया, फास्फोरस एटम, दोनों का फास्फोरस एटम तो कर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों का सेम है इन PH4। All the four orbital are bonded, whereas in PH3 so there is one lone pair of electron. PH4 plus पे क्या रहा, one lone pair electron हो रहा है और on one lone pair के कारण क्या होगा, structure को वो distort कर देता है। जैसे कि मैंने वहां आपको बताया था अमोनिया में कि अगर lone pair नहीं हो तो जो होना चाहिए सेप होएगा, लेकिन lone pair के कारण उसके सेप distort हो जाते हैं, मतलब एंगल बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। ये PH3 का है, this is the pyramidal, और PH3+ का है, दिस इज द टेट्राहेड्रल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन व्हाट वे कैन इट प्रूव दैट पीएच3 इज बेसिक इन नेचर, आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि पीएच3 जो होता है, फास्फीन जो होता है, बेसिक होता है नेचर्स में, क्योंकि फास्फीन जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड मतलब लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, PH4I बन जाएगा, जो कि बेसिक नेचर में क्या होता है, बेसिक नेचर शो करता है। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं PH3 का HI से रिएक्ट करें तो PH4, दिस इज द ए बेसिक नेचर शो, और एक खुद एसिड है तो ड्यू टू लोन पेयर ऑफ फास्फोरस पे लोन पेयर से अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, PH3 इज एक्टिंग एज ए लेविस बेस एंड एबोव रिएक्शन, तो एज ए लेविस बेस रिएक्ट करेगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर, PH3 प्लस NaOH, सही है, PH3 NaH2 PO2, इसका बताओ क्या होगा, CO3 PO4 2, CO3 P2, हमले गैस के रूप में कौन सा यूज करते हैं, PH3 और C2H6, CH2 एंड CH3, इसका बताए क्या होगा, CH3 P2, सही है, CH3 P2, फास्फीन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो फास्फोरस को क्लोरीन के साथ जैसे ही हीट करेंगे तो आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तैयार हो जाएगा। फिर फास्फोरस को अगर SOCl2 से रिएक्ट करें मतलब थाइनोइल क्लोराइड के साथ तो भी आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तैयार हो जाएगा। PCl3 की प्रॉपर्टीज, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, H3PO3 फास्फोरस एसिड NHCl। फिर PCl3 का क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो PCl5 तैयार हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एसिटिक एसिड को आप PCl3 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका बन जाएगा एसिटल क्लोराइड NH3PO3। इथेनॉल का रिएक्शन PCl3 के साथ करेंगे तो आपका बन जाएगा क्लोरोइथेन। एंड सिल्वर साइनाइड का रिएक्शन करेंगे PCl3 के साथ तो आपके तैयार हो जाएंगे सिल्वर क्लोराइड। PCl3 का स्ट्रक्चर एक लोन पेयर होगा और तीन बॉन्ड पेयर, दिस इज पिरामिडल शेप, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या होगा इसका आंसर, sp3, इसका बताओ PH3HCl, नहीं H3PO3HCl, ये बता सकता है PCl3 का शेप कैसा होता है, लीनियर, पिरामिडल लीनियर कहाँ से हो जाएगा, हो जाएगा CH3CO। एक सेकंड, दो मिनट रुक जाओ, फिर अपन शुरू करते हैं, इसमें दो मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ। अब देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फास्फोरस का रिएक्शन क्लोरीन से करो, एक्सेस क्लोरीन, क्योंकि 10Cl2 है तो आपको PCl5 तैयार हो जाएगा फास्फोरस पेंटा, और या फास्फोरस के रिएक्शन आप सल्फ्यूराइल क्लोराइड से कर दो, इससे भी आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तैयार हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होता है इसकी, कि जैसे ही आप PCl5 को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो आपको फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तैयार हो जाएगा और HCl एसिड बन जाएगा, एंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो फास्फोरिक एसिड तैयार होगा, एंड PCl5 को जैसे ही हीट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड ऑल्सो Cl। इथेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका क्लोरोइथेन तैयार हो जाएगा एंड PCOCl3 एंड ऑल्सो HCl। एसिटिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, एसिटिल क्लोराइड एंड ऑल्सो PCl3 एंड HCl। और PCl5 कैसा वर्क करता है, एज ए पावरफुल क्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि सिल्वर को जैसे ही PCl5 के साथ मिक्स करोगे तो सिल्वर क्लोराइड तैयार हो जाएगा, एंड SN को जैसे ही PCl5 का रिएक्ट करोगे तो आपका टीन क्लोराइड तैयार हो जाएगा। PCl5 का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें टोटल कितने बॉन्ड पेयर हुए, 5 बॉन्ड पेयर हुए, मतलब इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होगा। एंड इट इज ए गैसियस एंड लिक्विड फेज, इट हैज ए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज एन आयोनिक सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, इन विच कटायन दिस इज टेट्राहेड्रल होता है और एनायन जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, क्या होगा इसका आंसर, PCl3 और AgCl, AgCl और PCl3, 2 AgCl बनेगा और 1 PCl3, इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, सही है। हाँ, P4 को अगर रिएक्ट करेंगे एक्सेस क्लोरीन से तो क्या बन जाएगा, PCl5, सही है, इसका बता,
ये तैयार हो जाएगा। CH3COCl ऑक्साइड एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्साइड एसिड ऑफ फास्फोरस क्या होता है? टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है, कुछ इस तरीके। इसका जनरल स्ट्रक्चर जो होता है ना, और ये तो खैर अपने को पढ़ना नहीं है,